फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग कामयाब जवान प्रोग्राम फेज़ टू के तहत कर्ज़ा लेना चाहते हैं कारोबार के लिए, तो आप लोगों को उस कर्ज़े पर कितना सूद देना पड़ेगा, यानी मार्कअप कितना होगा। फ्रेंड्स, मैं इस तरह की बहुत सी टेक्निकल वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नॉलेज जोन को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और बेल आइकन को प्रेस करते वक्त ऑल के बटन को लाजमी क्लिक किया करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप लोगों को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है, और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपने गूगल पे सर्च करना है, या आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में वेबसाइट सर्च कर लें, www.कामयाबजवान.gov.pk। फ्रेंड, जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो आपने अपने क्रोम ब्राउज़र से अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड मोड पे ले आना है, तो कुछ इस तरह का जो इंटरफेस ओपन हो उस पे एक पॉपअप नज़र आएगा, जिसमें आपको वेलकम किया जाएगा। आपने इस पॉपअप को क्लोज़ कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, और उसके आगे ऑप्शन है रीड मोर। तो आपने रीड मोर के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीड मोर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी, जिसका पॉपअप आपको नज़र आ रहा है। यही पॉपअप आपने फिर दोबारा क्लोज़ कर देना है। जैसे ही आप इस पॉपअप को क्लोज़ करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, अप्लाई फॉर लोन, कैलकुलेटर एंड गैलरी। तो आपने कैलकुलेटर पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां आपको लिखा हुआ नज़र आएगा लोन कैलकुलेटर। तो यहां पर आपने सबसे पहले अपनी मर्ज़ी की अमाउंट लिखनी है, जो अमाउंट आप लेना चाहते हैं उस अमाउंट को एंटर करें। मैंने यहां पर 10 लाख लिखे हैं, तो आप 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मीन्स 1 लाख से 2.5 करोड़ तक की अमाउंट आप वसूल कर सकते हैं, और इस कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाया है। यहाँ पर नीचे दूसरा ऑप्शन है ईयर्स, आपका लोन का टेन्योर कितना होगा। तो आपने जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। मैंने 8 ईयर सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पर इस कैलकुलेटर पर फिल वक्त 8 ही आ रहे हैं, तो 8 पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने 8 ईयर्स पर क्लिक किया तो 8 ईयर्स पर सिलेक्शन हो गई। अब मैंने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो यहाँ पर नीचे एक ब्लैक कलर में ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो आपने सिंपली इस कैलकुलेट के ऑप्शन को टैप कर देना है। अगर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको क्लिक कर देना है। ये देखें फ्रेंड, जैसे ही आप कैलकुलेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको आप जो लोन लेना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल बता दी जाएगी, कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और महीने कितने होंगे, और उस पर आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा, मीन्स आपको सूद कितना देना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें इंटर्ड वैल्यूज़ का जो ऑप्शन आ रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें ऑप्शन पहले नंबर पे है, मैंने अमाउंट लिखी थी 10 लाख, और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है रेट ऑफ़ इंटरेस्ट, यो 3% है, 3% रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है। मार्कअप सूद जो है वो 3% है। उसके बाद आपने आगे देखा कि मैंने लिखा हुआ था 8 ईयर्स, तो आगे 8 ईयर्स लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स लिखा हुआ है आगे पेमेंट ओब्लिगेयर, तो 1 साल के 12 महीने होते हैं, तो उन्होंने 12 लिखा हुआ है। उसके बाद डेट लिखी हुई है कि किस डेट को आपने ये लोन इसको कैलकुलेट किया था। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे एक ऑप्शन है लोन समरी के नाम पे, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो 10 लाख पे बनती है 11,730 रुपये, यानी कि 11,730 रुपीज़ आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। उसके बाद जो आपका पेमेंट शेड्यूल है वो 96 मंथ्स है, यानी कि 12 ज़रबे 8, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 96। तो
उसके बाद जो आपकी पेमेंट का तरीका है वो भी 96 ही है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट बताया जाएगा कि आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना होगा। तो ये इस अमाउंट पर यानी कि 10 लाख पर 1,26,038 रुपये आपको इंटरेस्ट देना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है मॉर्टेज लोन पेमेंट। यहाँ पर आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, उस पर इंटरेस्ट कितना है। और आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाएंगे तो आपको पूरे आपके जो 96 मंथ्स हैं उनकी पूरी डिटेल दे जाएगी कि आप किस तरह अपनी पेमेंट जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि जो लोग कामयाब जवान प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं उनको पहले से मालूम हो कि उनको उनकी मतलूबा रकम पर कितना सूद देना पड़ेगा।